दोस्तों, आपको अक्सर सपना रहता होगा कि किसी दिन मैं उठूं और मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड लगे, ग्लासी लगे, ग्लॉसी लगे और उसमें किसी भी तरह के पिंपल्स ना दिखें। वेल, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो सपना है वो सच होने वाला है, क्योंकि मैं एक ऐसी क्रीम के बारे में आपको बताऊंगा जो कि वाकई में काम करती है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मामा अर्थ की नाइट क्रीम के बारे में, जो आती है राइस वाटर के साथ, राइस एक्सट्रैक्ट के साथ। तो आज हम इसी के साथ इसका रिव्यू करेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पर्टिकुलर कौन कौन से इंग्रीडियंट्स पड़े हैं, किस तरह से आपको यूज करनी है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, कब आपको इस्तेमाल करनी है, कितनी आपको इस्तेमाल करनी है और क्या आपके स्किन पर किसी भी तरह का रैश या रेडनेस आ सकती है इसकी वजह से या नहीं आ सकती। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आया, यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वो बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज नाइट क्रीम। तो नाइट क्रीम की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी क्रीम होती है जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, गाढ़ी रहती है एज कंपेयर टू योर रेगुलर डे क्रीम। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे, डे क्रीम और नाइट क्रीम को, तो जो डे क्रीम है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी पतली रहेगी एज कंपेयर टू नाइट क्रीम। नाइट क्रीम का जो मेन काम होता है वो आपके स्किन को हाइड्रेशन देना होता है एंड इसी के साथ ही ये आपके जो सिरामिड्स है उसका फॉर्मेशन करती है। बेसिकली आपकी जो स्किन है वो कुछ फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है जिसका नाम होता है सिरामिड्स, और ये सिरामिड्स आपके स्किन को बचाते हैं फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो ये काम होता है एक नाइट क्रीम का। इसी के साथ ही ये आपके सेल टर्नओवर पर काम करती है, जो पुराने सेल्स होते हैं उन्हें रिजनरेट करके नए सेल में कन्वर्ट करती है ताकि आपकी जो स्किन है यूथफुल लगे, उसमें फाइन लाइंस एंड रिंकल्स थोड़े कम नजर आए। विद दैट बीइंग सेड, दोस्तों हम चलते हैं अपने सीधा मामा अर्थ की नाइट क्रीम की ऊपर, जो कि आती है राइस वाटर के साथ। अगर पैकेजिंग की बात करो तो दोस्तों 50 ग्राम्स की ये पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी 479 रुपीस की ऑन Amazon, एंड जो इनकी पैकेजिंग है वो स्टैंडर्ड पैकेजिंग के साथ ये प्रोडक्ट आता है। जैसे ही आप इसके बॉक्स को ओपन करेंगे, अंदर से आपको 50 ग्राम्स की ये स्लीक सी बॉटल देखने को मिलेगी, और ये जो बॉटल है काफी ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली लगती है मुझे, क्योंकि आप कहीं पे भी इसे कैरी करके ले जा सकते हैं। एंड अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर का आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा जो कि आराम से आपके स्किन पर ग्लाइड हो जाता है। सो इसमें आपको बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एंड अगर मैं फ्रेगनेंस की बात करूं तो इसमें से हल्की सी माइल्ड फ्रेगनेंस आप कह सकते हैं आती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके नाक में चढ़ जाए और आप सहन ना कर पाए, हल्की बहुत आती है। दोस्तों, अगर मैं प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ की बात करूं तो 18 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ ही हम सीधा चलते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। जो सबसे पहला और सुपरस्टार इंग्रेडिएंट आपको देखने को मिलता है विच इज़ कॉल्ड राइस वाटर, और जो जापानीज एंड कोरियंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को। सबसे ज़्यादा ये आपको हेयर केयर एंड स्किन केयर में यूज़ होता हुआ दिखेगा, और आजकल जितने भी स्किन केयर में प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट डाला जाता है। मेन काम क्या रहता है, ये आपकी स्किन पर से एक्ने के स्कार्स, एक्ने को एंड ऑयल को कम करता है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पफी आइज को भी सही करता है, आंखों के नीचे जो पफीनेस आ जाती है उसे भी सही करता है। एंड इसी के साथ ही दोस्तों ये आपके स्किन पर एक नेचुरल ग्लो बना के रखता है, दैट इज वाई इसे हम कहते हैं ग्लास इंग्रेडिएंट, जो कि आपको एक ग्लॉसी एंड ग्लासी स्किन देने में सक्षम है। दैट इज वाई कोरियंस एंड जापानीज लोग बहुत ज्यादा इसे यूज करते हैं। सो दिस इज राइस वाटर फॉर यू। अगला हमारा इंग्रेडिएंट है दोस्तों विटामिन B3 AKA नाइसिन और नायसिनमाइड। नायसिनमाइड भी आपने अक्सर नाम सुना होगा कि बहुत ज्यादा यूज होता है स्किन केयर इंडस्ट्री में। एंड नायसिनमाइड के जो बेनिफिट्स हैं वो न्यूमरस बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपकी यूवी प्रोटेक्शन करता है स्किन की, सेकेंडली आपके एक्ने से होने से बचाता है, थर्डली आपको टैनिंग से बचाता है, एंड फोर्थली अगर आपके एक्टिव पिंपल या एक्ने हैं आपके स्किन पर उसे मिनिमाइज करता है, उसे श्रिंक करता है। एंड इसी के साथ ही जो थर्ड इंग्रेडिएंट है दोस्तों इसमें पड़ा है ग्लिसरीन, जो कि एक ह्यूमक्टेंट का काम करता है, और ग्लिसरीन हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। ग्लिसरीन आपके स्किन पर हाइड्रेशन मेंटेन करके रखता है और बाहर के एनवायरमेंटल स्ट्रेस को अलाउ नहीं करता कि आपका जो हाइड्रेशन है वो चुरा के ले जाए। अलॉन्ग विद इट दिस क्रीम हैज शिया बटर, जो कि काफी अच्छे से आपकी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज देता है, आपकी स्किन को रात भर आपको हाइड्रेशन देता है। एंड इसी के साथ ही ये आपकी स्किन पर बैरियर का काम करता है ताकि बाहर की गंदगी या पॉल्यूशन आपकी स्किन पर ना लगे। बाहर की गंदगी से मेरा मतलब ये है कि जो आपके तकिए पे गंदगी लगी होती है वो कई बार आपके फेस पे चिपक जाती है और उसकी वजह से भी पिंपल्स हो जाते हैं। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने तकिए के कवर को भी चेंज करा करिए। देखिए, एक सिस्टम होता है हर एक चीज का, ऑलराइट। आप बेहतरीन से बेहतरीन क्रीम लगा लें, लेकिन अगर आपका तकिया ही गंदा है जिस पे आप सो रहे हैं और उस पे आप ऐसी स्किन लेके सोते हैं तो वो लगता है, ऑलराइट। सो मेक श्योर करें कि आप ये गलती ना करें। एंड दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो क्रीम है आप सोने से 45 मिनट पहले लगाइएगा ताकि आपकी जो स्किन है अच्छे से इसे एब्जॉर्ब कर ले एंड आपको किसी भी तरह की प्रोडक्ट आपका उस
तक ही पे ना लगे। दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो पर्टिकुलर नाइट क्रीम है किन लोग के लिए है। ये बेसिकली हर कोई लगा सकता है क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है काफी ज्यादा सेफ इंग्रेडिएंट है। एंड इसी के साथ ही दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चे जो हैं, मतलब 17 साल से पहले पहले के जो टीनेजर्स हैं वो अवॉइड करें। 18 साल के बाद जो भी यू नो टीनेजर्स हैं या फिर जो भी यूथ है वो लगा सकता है इस नाइट क्रीम को विदाउट एनी यू नो हेजिटेशन। सेकेंडली इसका यूज करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। सिंपली आपको अपना मुंह धोना है रात में एंड देन आपको इस पर्टिकुलर नाइट क्रीम को लगाना है एंड यू आर गुड टू गो। एंड अगर अब मैं इसकी सेफ्टी की बात करूँ दोस्तों तो ये मेड सेफ सर्टिफाइड के साथ आती है। मेड सेफ सर्टिफिकेशन एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो अमेरिका द्वारा दिया जाता है उन क्रीम्स को या प्रोडक्ट्स को जो कि ह्यूमैनिटी के लिए कोई ज़्यादा हार्म नहीं करते हैं। सेकेंड जो है दोस्तों ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। एंड थर्डली दोस्तों ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। फिर चाहे आपकी एक्ने वाली स्किन हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, हर कोई इसे यूज कर सकता है। और विद दैट बीइंग सेड दोस्तों अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे काफ़ी टाइम से मैं ये पर्टिकुलर नाइट क्रीम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मेरी मॉम ने ही मंगाई थी, वो यूज़ कर रही थी एंड देन मैंने थोड़े दिनों के लिए इस्तेमाल करी एंड आई रियली लाइक द आउटकम। तो या आई फील कि मैं को आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए, दैट इज वाई मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपका मन में कोई भी सवाल हो तो आप इससे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।